हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। सो आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं मान इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड कंपनी के मार्केट में। हालांकि क्वार्टरली वन रिजल्ट्स आ चुके हैं, सो उस रिजल्ट्स के चलते हुए आपको इस शेयर के अंदर किस तरह का मोमेंटम फेस देखने को मिल सकता है, एज वेल एज लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी आपकी क्या होनी चाहिए, इस कंपनी में आपको निवेश करना या नहीं करना है, तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं इसी वीडियो के अंदर। सो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और उसके साथ साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले जो कंपनी का रेवेन्यू है यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पर, उसमें आपको यहाँ पर 25% का फॉल देखने को मिल रहा है, और वो हो चुका है 403 करोड़ रुपीज़। एज वेल एज जो कंपनी के नेट प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें भी आपको यहाँ पर 24% का क्वार्टरली बेसिस पर फॉल देखने को मिल रहा है, और वो हो चुका है 19 करोड़ रुपीज़। सो कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो इतने ज़्यादा पॉजिटिव नहीं आए हैं, तो मेरे हिसाब से एक सेलिंग प्रेशर आपको मार्केट में थोड़ा बहुत क्रिएट होते हुए ज़रूर देखने को मिल सकता है। अगर मैं यहाँ पर कंपनी के रेवेन्यू की बात करूँ ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से, तो कंपनी का रेवेन्यू 1% बढ़कर हो चुका है 403 करोड़ रुपीज़। एज वेल एज जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो अगर यहाँ पर बात करते हैं तो 11% यहाँ पर बढ़कर हो चुका है ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से 19 करोड़ रुपीज़। अगर मैं इस कंपनी के स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करूँ तो मार्केट कैपिटलेशन है इस कंपनी का 772.32 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि इस कंपनी को एक स्मॉल कैप कंपनी जरूर बनाता है। ऑन द फेस वैल्यू 5 रुपीज़ डिविडेंड यील्ड है इसका 1.48%। बीटा है इसका 1.03, जो कि आपको इंडिकेट करता है कि अगर इंडेक्सेस के अंदर अगर आपको 1% का मोमेंटम देखने को मिलता है तो इस शेयर के अंदर भी आपको ऑन एन एवरेज बेसिस पर 1.03% का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। करंटली इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग चल रहा है 22.33, अगर उसके मुकाबले अगर आप इस शेयर को देखो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा से प्राइस टू अर्निंग पर यह शेयर आपको मिल रहा है। दैट इज़ प्राइस टू अर्निंग शेयर का 7.68 का प्राइस टू अर्निंग। उसके साथ में प्राइस टू बुक इसका काफ़ी अट्रैक्टिव रेट है, 0.93 का इसका प्राइस टू बुक है, और बुक वैल्यू शेयर की 145.87 रुपीज़। सो एज ऑन द फैक्ट अभी यह शेयर जो है आपको बुक वैल्यू से भी कम प्राइस में मिल रहा है, सो मेरे हिसाब से आपको ग्रैब करना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो 2019 में कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी पॉजिटिव था, 2020 में ड्यू टू द कोविड सिचुएशन आपको कंपनी का रेवेन्यू एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी इज बॉटम लाइन के अंदर आपको यहाँ पर फॉल जरूर देखने को मिला है, बट जैसे ही रिकवरी हुई मार्केट में आप देख सकते हो कंपनी का टॉप लाइन एज वेल एज बॉटम लाइन के अंदर फिर से आपको एक अच्छा सा ग्रोथ जरूर देखने को यहाँ पर मिल रहा है। तो ये मेरे साथ काफ़ी पॉजिटिव बात साबित होते हुए देखने को आपको मिली है। 5 ईयर हाई प्राइस है इसका 147.1 रुपीज़, और करंटली 130 रुपीज़ के नियर बाय शेयर ये जो है मार्केट में ट्रेड कर रहा है, डेट इज़ लेस देन द बुक वैल्यू। तो ये भी मेरे साथ काफ़ी पॉजिटिव बात होगी। अगर इसमें और गिरावट अगर आपको देखने को मिल रहा है, डेट इज 120 या 125, या फिर अगर आप लॉन्ग टर्म निवेश करो तो मेरे साथ करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से भी आप इस कंपनी में निवेश कर सकते हो, बट फिर भी अगर आपको कोई प्राइस बैंड का वेट करना है तो मेरे साथ 125 एज वेल एज 118 के प्राइस बैंड के अंदर बीच में अगर ये शेयर आता है तो फिर से आपको नई बाइंग स्टार्ट करनी चाहिए मान इंडस्ट्री इंडिया लिमिटेड कंपनी के अंदर। सो होप करता हूँ कि आपको मैन इंडस्ट्री इंडिया लिमिटेड कंपनी जो मार्केट में जो क्वार्टरली वन रिजल्ट आए हैं वो आपको अच्छे से पता चल गए होंगे, और उसके ऊपर आपको क्या डिसीजन लेना है एज अ इन्वेस्टर वो भी आपको पता चल गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।